नमस्कार दोस्तों, आज हम पे मैनेजर से बिना DDO लॉगिन से कैसे अपना खुद का GA55 निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल या अपने लैपटॉप से गूगल है उसके अंदर आपको जाना होगा। गूगल में जाने के लिए आप किसी ब्राउज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र का, या आपके लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको गूगल दिया हुआ मिल जाएगा। तो आपको इस गूगल में सबसे पहले यहाँ पे मैनेजर टाइप करना है, और यहाँ जैसे ही आप पे मैनेजर टाइप करोगे, पे मैनेजर टाइप करने के बाद में यहाँ आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में यहाँ पे मैनेजर डॉट राज डॉट निक डॉट इन वाली साइट को आपको चुन लेना है। तो यहाँ पे मैनेजर आप पर आप क्लिक करेंगे। पे मैनेजर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये विंडो आएगी। इस विंडो में आपको यहाँ इंटर यूज़र नेम, इसके बाद में यहाँ पासवर्ड, फिर ये कैप्चा, नीचे आप यहाँ देख पा रहे हैं डिजिटल लिखा हुआ है, तो डिजिटल के ऊपर आपको नहीं जाना है। इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा लॉगिन, लॉगिन के नीचे बैंक रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट पासवर्ड, एम्प्लॉय लॉगिन, फॉर DDO एम्प्लॉय लॉगिन। अब यहाँ इस पे मैनेजर के जरिए यदि आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और यदि आपको पासवर्ड पता है तो यहाँ फॉर DDO एम्प्लॉय लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इंटर यूज़र नेम में आप अपनी एम्प्लॉय आईडी है वो डाल दीजिएगा। जैसे ही आप अपनी एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, एम्प्लॉय आईडी के बाद में आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पर मेरी एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ मैं कैप्चा डालूँगा। कैप्चा इसमें आपको देखो यहाँ के छोटा भी मिल सकता है, बड़ा भी, जैसा भी है, लेकिन आप इसमें कैसा भी छोटा या बड़ा टाइप कर सकते हो जो कि आपका एकदम सही होना चाहिए। यहाँ DDO और एम्प्लॉय डिजिटल डिपार्टमेंट सब DDO, तो आपको इसमें एम्प्लॉय को चूज कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में ये वाला विंडो आएगा जिसमें आपको एक ऊपर तो होम लिखा हुआ है, होम के जस्ट नीचे एम्प्लॉय कॉर्नर मिलेगा और एक लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा। अब इस एम्प्लॉय कॉर्नर में यहाँ आपको पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉय मेडिकल बिल, TA मेडिकल अनेक्चर, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय डिटेल, लास्ट पे सर्टिफिकेट, पे स्लिप मंथ वाइज, पे स्लिप, इनकम टैक्स वाला, और यहाँ GA55 का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसी के जरिए आपको यहाँ DDO की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुद का लॉगिन कर सकते हैं। और नीचे नीचे एक और चीज़ आपको मिलेगी, पर्सनल डिटेल अपडेट। जैसे ही आप इस पर्सनल डिटेल अपडेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर है, ईमेल है, और यहाँ आपका पैन कार्ड है वो आप अपडेट करा सकते हैं। GPF नंबर यदि आपके पास में है तो वो भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ GA55 एम्प्लॉय डिटेल, इसके ऊपर आपको GA55 लेना है, तो GA55 एम्प्लॉय डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस विंडो में यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। नाम के बाद में यहाँ ईयर दिया जाएगा, ईयर में आपको वर्ष चुनना है कि कौन से सत्र का आप निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2018-19 ले लिया है, 2018-19 में यहाँ पर मैंने ये लिया, नाम आ गया। इसके बाद में एस्टिमेटेड, नॉट एस्टिमेटेड, तो आप इसमें एस्टिमेटेड पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ PDF फॉर्मेट में यदि लेना चाहते हैं तो आप PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक्सेल फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप एक्सेल पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ जैसे PDF में डाउनलोड कर लेते हैं तो ये PDF फॉर्मेट में आपका यहाँ नीचे डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इसे खोल सकते हैं। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर आपके जस्ट सामने आपका GA55 शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना खुद का GA55 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ यदि आपको पे स्लिप निकालनी है तो पे स्लिप के ऊपर आपको क्लिक करना है, कौन से मंथ की पे स्लिप आपको निकालनी है। जैसे मेरे को दिसंबर महीना 2018-2019, तो यहाँ आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो इस महीने की पे स्लिप है वो नीचे डाउनलोड हो जाएगी, और आप इसके ऊपर अपन क्लिक करके आपको क्या मिला क्या नहीं मिला वो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपना पूरा कम्प्लीटली जो GA55 है हर ईयर का, और बैंक की डिटेल है वो भी अपन यहाँ से अपडेट करा सकते हैं, उसके लिए DDO को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन खुद के लॉगिन से कर सकते हैं। तो ये ओके, थैंक्स।